लेकर कविता पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है प्रकृति कहती है और इस कविता के कवि हैं श्री सोहन लाल त्रिवेदी। इस कविता का शीर्षक है प्रकृति कहती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रकृति शब्द के बारे में समझाना चाहती हूँ। प्रकृति का अर्थ होता है ईश्वर के द्वारा बनाई गई वस्तुएं। जैसे हम लोग प्रकृति में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, पहाड़, पर्वत, समुद्र, नदी, नाले, झील, आकाश, चांद, तारे, वायु, मिट्टी, ये सभी प्राकृतिक वस्तुएं हैं। ये प्राकृतिक वस्तुएं मौन रहकर भी हमें बहुत सारी शिक्षा देते हैं। इस कविता में इन्हीं प्राकृतिक चीज़ों के द्वारा दी गई शिक्षा को कवि के द्वारा बताया गया है। सबसे पहले मैं इस कविता का सस्वर वाचन करती हूँ। प्रकृति कहती है, पर्वत करता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर करता है लहराकर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरल भर लो अपने मन में मीठी मीठी ऋतु घुमा, धरती कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नर कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। सबसे पहले इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ बताऊंगी। शब्दार्थ, पर्वत का अर्थ होता है पहाड़, सागर का अर्थ है समुद्र, मृदु का अर्थ है कोमल, नव का अर्थ है आकाश, शीत का अर्थ है सिर, तरंग का अर्थ है लहर, धैर्य का अर्थ है धीरज और संसार का अर्थ है दुनिया। अब मैं एक एक करके सभी पदों का भावार्थ बताऊंगी। पहला पद है, पर्वत कहता शीत उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। तो कवि श्री सोहन लाल त्रिवेदी पहले पद में बताते हैं, पर्वत कहता शीत उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, अर्थात पहाड़ जिसकी चोटी ऊंची होती है, जिसके शिखर ऊंचे होते हैं, वह हमें शिक्षा देता है कि तुम अपने विचारों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा पहाड़ की तरह ऊंचाई को प्राप्त करो, इस संसार के लिए कुछ अच्छा काम करो। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। यहाँ पर सागर हमें शिक्षा देता है, हमें परिश्रम करना है, कठोर परिश्रम करना है और कठोर परिश्रम के द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपने विचारों में हम गहराई ला सकते हैं। तो इस पद का अर्थ होगा प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रकृति कहती है शीर्षक कविता से ली गई है। इसके कवि श्री सोहन लाल त्रिवेदी प्राकृतिक वस्तुओं के द्वारा हमें शिक्षा देते हैं। पर्वत कहता है कि तुम अपने विचारों को ऊंचा कर, अपने कर्मों को ऊंचा कर पर्वत की तरह ऊंचाई को प्राप्त करो, और सागर कहता है कि तुम अपने कर्मों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। दूसरा पद है, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरल। तो यहाँ सागर की लहरें जो हमेशा लहराती हैं, उठती और गिरती हैं, तो ये जो उठती गिरती सागर की लहरें हैं, ये हमें शिक्षा देती हैं। क्या शिक्षा देती है, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। सागर की लहरें उठती और गिरती हैं, लहराती हैं, वे हमें एक गहरी शिक्षा देती है कि अपने मन से, अपने वचन और अपने कर्म से हमेशा प्रसन्नचित रहो, हमेशा खुश रहो, अच्छे कर्म करो। तो ये जो सागर की लहरें हैं, ये हमें हमेशा प्रसन्नचित, हमेशा हंसमुख रहने की शिक्षा और प्रेरणा देती हैं। तो दूसरे पद में कवि श्री सोहन लाल त्रिवेदी सागर से मिलने वाली शिक्षा हमें देते हैं और उसका वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि जिस तरह सागर की लहरें उठती और गिरती हैं, प्रसन्नचित रहती हैं, उसी तरह हमें अपने तन मन वचन कर्म सब कुछ से हमें प्रसन्नचित और उमंग से भरा अपना जीवन बिताना चाहिए। तीसरा पद है, धरती कहती धैर्य न
कि हमें अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करना है और ज्ञान रूपी प्रकाश इस संसार में फैलाना है, लोगों को अज्ञानता से निकालकर ज्ञान की ओर ले जाना है और उनके मन में ज्ञान रूपी ज्योत जलाना है और इस संसार को उस ज्ञान से, उस ज्योति से आलोकित कर देना है। तो इस कविता में प्रकृति दत्तीय शीर्षक कविता में कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी इन मौन रहने वाली प्राकृतिक वस्तुओं से हमें कई सारी शिक्षा दिए हैं जो अभी मैं आप लोगों को बताई हूँ। तो इस कविता के द्वारा हमें शिक्षा मिलती है कि सदा हमें अपने विचारों को ऊंचा रखना।